पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके से मंगलवार को 9 साल की नाबालिग बच्ची का हुआ अपहरण। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र में मंगलवार को 9 साल की नाबालिग बच्ची का अपहरण हो गया था, जिसके बाद उसके परिजनों ने बेचैन होकर कल्याणपुरी थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस जब तक कार्रवाई करती तब तक बच्ची की मौत हो गई थी। हम आपको बता दें कि 25 तारीख को बच्ची का शव जिला गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र में भोजपुरा के एक खेत में मिला था। पुलिस ने जब शव की शिनाख्त की तो पता चला कि इस मामले में केस कल्याणपुरी थाने में पहले से ही दर्ज है, जो कि नाबालिग बच्चे के अगवा होने का है। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस ने बच्ची के शव को कल्याणपुरी थाने को सौंप दिया है और कल्याणपुरी थाना की पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बच्ची के परिजनों ने कल्याणपुरी थाने को घेर लिया है, जिसके बाद काफी तादाद में लोग इकट्ठा होकर थाने के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने पुलिस की नाकामयाबी को मुद्दा बताते हुए पुलिस हाय हाय के नारे लगाने शुरू किए हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुनीता है, मैं खिचड़ीपुर 6 ब्लॉक जुग्गे में रहती हूँ, जहाँ का ये हादसा है। आज 4 दिन हो गए, 4 दिन से 23 तारीख को 4:10 या 15 मिनट पर लड़की उठाई गई थी। शाम को हम लोग लड़के के घर पर गए थे, हमने बात की लेकिन पुलिस ने हमें ठीक से कोऑपरेट नहीं किया। पुलिस वालों ने हमें झूठ बोला, क्या कहते हैं कि पथराव कर रहे हैं ये लोग। हमें पुलिस वालों ने गंदे तरीके से गली से धक्का दे के निकाला, हम लोग निकल गए। अगर उस टाइम हमें अगर पहले ही दिन पुलिस कोऑपरेट कर लेती, आज वो लड़का हमारे साथ, बच्ची हमारे साथ होती। पुलिस वालों ने ठीक से नहीं सुना। बच्ची को मार दिया गया, 6 साल की लड़की, कोई ऐसे गलत काम नहीं कर सकते। लड़की अभी मिली नहीं है और झूठी अभी तक हमें झूठी दिलासा दी जा रही है। लड़के को थाने में रखा हुआ है, कुछ भी नहीं बता रहे, क्रिमिनल के बारे में कुछ नहीं बता रहे ये लोग। मुस्लिम की फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। आपको किसी ने बताया है कि लड़की खत्म हो गई? ये हमें मौसी बता रही है, सगी परिवार वालों को बताया गया कि लड़की खत्म हो गई है। हाँ जी, ये पुलिस ने बयान दिए। अगर लड़की खत्म होगी तो पुलिस वाले लेके क्यों नहीं आ रहे, बयान क्यों दे रहे हैं? सामने आए ना, सामने बताएं ये बात आके। पहली बात तो सर, जो उसका घर है, जैसे हमारी बेटी गई हुई है, उस घर पे उस इंसान का कब्जा होना चाहिए। बेटी तो उसको मिलने वाली है नहीं, लेकिन उस घर पे उनका, गरीबों का कब्जा रहना चाहिए और इस कुत्ते को फांसी होनी चाहिए। Thank you.